झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम लोग को अलग करने नहीं आई हुई हूँ यहाँ, मैं सिर्फ अपने पैसे वापस चाहती हूँ। तो क्या वो तुम्हें पैसे दे रहा है? हाँ दे रहा है, किस्तों में, तुम इसे लेके दे रहा होगा शायद। तुमने हमारी बहन को तो बेवकूफ बना लिया है, लेकिन हमें नहीं बना सकते। अगर हमारी बहन को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ठीक नहीं है तुम बीच में। एनीवे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम घर चलो और हम लोग आते हैं। जी अच्छा, बस जल्दी आ जाइएगा। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। निर्मा नंबर तो लिया है ना तूने इनका? हाँ नंबर तो ले लिया ना इनका? नहीं नंबर तो नहीं लिया। तो बेवकूफ नंबर तो ले ले यार, चल चल। अली असल बात यह है बेटे, तुम्हारी जो मदद की थी, फंसना नहीं चाहते। और मदद क्या मतलब भाई, पैसे लिए आप लोगों ने इस काम के, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था आप लोगों के साथ। तो फिर ठीक है, हम उसके घर जाके बता देते हैं कि हमारी असलियत क्या है। कमाल करते हैं यार आप लोग। अली सीधी बात है, हम किसी के जवाबदेह नहीं हो सकते। यार मजीद भाई, आपके भाई को मदद की जरूरत है यार, सब एक दफा मदद कर दें। ये वाली मदद बहुत महंगी पड़ जानी है हमें। अरे कुछ नहीं होगा। तो वाली सीधी बात, हम मजीद इस मसले में फंसना नहीं चाहते। जो करना था कर दिया और जो होना था वो हो गया। यार मजीद भाई एक आखिरी बार मेरी मदद कर दें, आपका सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे, कसम खुदा की मेरा घर बच जाएगा। और वो भी बड़े सादा से लोग हैं, बस आप एक दफा वहां आ जाइए। और पता है अगर मेरे असली माँ बाप जिंदा होते हैं, मुझे आपकी मदद की भी जरूरत ना पड़ती। मजीद भाई प्लीज। अगर पुलिस का कोई चक्कर हुआ तो? यार आप लोग मुझे को आज का थोड़ी जानते हैं, मैं ऐसा करूंगा क्या आपके साथ? लेकिन आप लोगों को बस जाके यही कहना है कि घर का इंतजाम हो गया, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूं। अली चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अरे मजीद भाई क्या कर रहे हैं यार, कल नहीं मजीद भाई आज, कसम से उन लोगों को बोल के बैठा हुआ, वो लोग गली में खड़े आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं थोड़ी देर की। कब से थोड़ी देर आज का वादा नहीं है, कोशिश करूंगी तुम्हें कॉल करके बता दूं। मजीद भाई कहाँ रह गए तुम्हारे सास ससुर? मैं भी यही सोच रही हूँ। अपने बेटे के साथ मिलके कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। तुम उन्हें अपने साथ ले आती, उन्हें घर का रास्ता मालूम है ना? अब तक उन्हें अली मिल गए होंगे। हाँ बेटा, मगर कोई सख्त बात ना करना उनसे। ऐसी बात नहीं अब्बा जी, लेकिन अब क्या माँ बाप सिर्फ खुशियां सुनने के लिए रह गए हैं? उनके घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे घर वाले अली के मसले हल कर रहे हैं। उन्हें और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। फोन करो अली को, पूछो उससे। हाँ जुबिया बेटी, निर्मा के सास ससुर आ रहे हैं। जी अब्बा जी, मैंने सुना भी। तुम उनके बीच जरूर बैठना बेटा। क्यों नहीं बैठेगी अब्बा जी, इसे कहाँ जाना है? देखो बेटा, अजरा के बाद अब जुबिया ही इस घर की बड़ी है। जी अब्बा जी।
मुस्तकिल बिजी जा रहा है। निर्मा बेटा, तुम यहां मेरे करीब बैठो। अब्बा जी खैर तो है ना, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा मैं चलने फिरने से जरूर माजूर हूं, लेकिन सुनने और बोलने से नहीं। मुझे मालूम है इस घर में क्या हो रहा है। दिनों के बीच इतने फासले पैदा कर लिए हैं तुम लोगों ने। हर कोई एक दूसरे से डरता रहता है। बा ऐसा कुछ नहीं। कभी मैंने जोबिया और सुमन को आपस में प्यार से बातें करते हुए नहीं सुना। दोनों भाभियां निर्मा से दूर रहती हैं जैसे जमीन से चांद। अजरा तो ये देखते देखते मर गई है। कम से कम मैं अपनी जिंदगी में हंसता बसता घर कब देखूंगा? अब्बा जी, जिसने घर तोड़ा है आप उसी से सिर्फ ये क्यों नहीं कहते? किसी ने किसी का घर खराब नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? तुम क्या समझती हो मुझे कुछ पता नहीं? अरे तुम लोगों की सरगोशियां भी सुनता हूं मैं बाप हूं तुम लोगों का। कुछ कहे बगैर सब समझता हूं। बेटा अब जो फैसला हो गया है इसे निभाओ। तुमने खुद ही पसंद किया था। और बेटा घर जो है वो औरत जोड़ के रखती है, मर्द नहीं। अलग होना बहुत आसान है बेटा, मगर रहना बहुत मुश्किल है। तुम लड़की जात हो और हमारा ये माशरा अकेली औरत के लिए महफूज नहीं रहा। आप सही कह रहे हैं अब्बा जी, हम भी इसे यही समझाते हैं। बेटा अली कहाँ है इतने दिन से? जी अब्बा जी जहां काम करते हैं ना वहीं रहते हैं। इसीलिए तुम्हारी हवाइयां उड़ी हुई है। बेटा परेशानी जिंदगी में आती जाती रहती है, किसी की जिंदगी इससे खाली नहीं है। घर के लोग अगर एक दूसरे के साथ जुड़कर रह रहे हो तो परेशानी भी घर के बाहर से ही वापस चली जाती है। और ये ख्याल रखना बेटा, उसके मां बाप के सामने ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर के लोग एक दूसरे से दूर हैं। अब अजीब ना ऐसा है और ना ऐसा होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं बेटा,
लेकिन तुम लोग जो भी कहो, बस इतना याद रखना, इस घर में एक कोने में बैठा हुआ एक शख्स सब कुछ देख रहा है। समन बेटा, तुम भी अपना दिल बढ़ा करके ये सब कुछ भूल जाओ। तुम सब लोग इस घर की कड़ियां हो बेटा, एक भी कड़ी कमजोर हो गई तो पूरी छत नीचे आ गिरेगी। अब्बा जी, मैंने तो कभी पहले भी शिकवा नहीं किया जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। प्यार बांटना तो आपस में सबकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगी। दोबारा कॉल करो उसे, आना होगा तो आ जाएंगे। अब मैं नहीं कर रही फोन दोबारा। कोई बात नहीं बेटा, वो अपने माँ बाप के साथ मसरूफ होगा, आ जाएगा। हेलो यार, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ। अकेले आए हो? अब दूसरी दफा मैं बारात थोड़ी लेके आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी मामा पापा से आपकी बात हो गई होगी। हाँ हाँ, हो गया रब्ता। तो फिर उन्होंने आपको ये भी बता दिया होगा कि मैं भी उनसे मिल ली। यार निर्मा, तुम दरवाजा तो खोलो। तुम लोगों ने तो अपने दरवाजे ऐसे बंद कर लिए मुझ पे जैसे मैं कोई आदि मुजरिम हूँ। हाँ तो और मुजरिम करते ही क्या है अली, या तो आपकी जिंदगी ले लेते हैं या तो उसे बर्बाद कर देते हैं। अच्छा देखो, एक गलत फहमी हो गई है, तुम दरवाजा खोलो, हम बैठते हैं और बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। दरवाजा तो खोलो यार। अली, अब आप अपने मामा पापा को बुलाएं, उन्हीं से बात होगी। वो तो आएंगे, उनको तो आना है, लेकिन तुम इस तरह से मुझे पीठ मोड़ लोगे मुझे अंदाजा नहीं था। मैं नहीं कर रही कुछ, मेरे घर वालों ने मुझे रोका है। अली, मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी हूँ, वो भी चाहते हैं कि मैं शादी के बाद अपने घर में खुश रहूं, ना कि रोडों पर या किसी के भी घर पे ऐसी रुलती रहूं। मैंने सब इंतजाम कर लिया, मैं इतने दिनों से इसीलिए गायब था। तुम यकीन करो, मैं अपने मॉम डैड को एयरपोर्ट लेने तक नहीं गया हूं। मुझे अब नहीं है यकीन आपकी किसी भी बात। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे एक चांस दे दो, तुम चलो और चल के अपनी आंखों से देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। आपने अपने पापा को बताया कि आपके पीछे कुछ लड़कियां लगी हुई हैं? कम ऑन निर्मा, ये कोई बात है करने वाली? देखो, हम दोनों बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं। तुम जरा घरेलू टाइप हो, तुम इस तरह की बातें सोच सकती हो। मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं और तरह से सोचता हूँ, और हर कपल में इसी तरह के मसाइल होते हैं जो वो एक साथ बैठ के हल कर लेते हैं। हम भी एक साथ बैठेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। ये हमारा प्यार मोहब्बत करने का वक्त है और हम ऐसे लड़के जाया कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये मुझे कहना चाहिए? कौन सी ऐसी लड़की होगी अली जो नहीं इंतजार करती इन दिनों का, नहीं सोचती इन सब के बारे में? मैंने भी सोचा था, मैं भी इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने तो उन सारे दिनों को खौफ में बदल दिया। मुझे एक चांस दो, मैं
और तुम्हारे खौफ को मोहब्बत में बदल दूंगा। आप समझने की कोशिश करें, जो भी अब बात करनी होगी ना मेरे घर वाले आपके मामा पापा से करेंगे, क्योंकि अगर मैं यकीन कर भी लूं मेरे घर वाले नहीं करेंगे। मेरे पापा आ जाएंगे बात करने के लिए। चाय लेकर। यार अली ना कर यार, तो खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। यार देख आशन, इस लड़की की वजह से ना मेरा बहुत नुकसान हो गया, और जब तक मैं अपना नुकसान पूरा नहीं कर लेता मैं छोड़ूंगा तो नहीं उसे। जो मर्जी कर यार, हमला कर दे उसके ऊपर, मुझसे ये काम मत करवा प्लीज यार। छोटे मोटे खांचे तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन वो बड़े मासूम फ्रॉड होते हैं। ये तो बहुत ही लंबी गेम मारने जा रहा। तो यार क्या बात कर रहा है तू, ये वाहिद लड़की है जिसकी वजह से जलील हुआ हूं मैं। अब पैसे तो मैं इससे लेके रहूंगा। तुम्हें लगता है वो पैसे दे देगी? उसके घर वाले उसको उसका हिस्सा दे देंगे। अरे उसका तो बाप भी देगा, मैं अभी पेपर लेके आता हूँ। अच्छा ये तो बता दो, उस बंदे को वापसी की डेट क्या देनी है? कौन सी वापसी? अच्छा जी, 5 लाख थे, 5 रुपए नहीं थे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? वो कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है यार, एक डेट बता दे बस। 1 महीने का बोल दे। जी मजीद भाई। जी जी। देखो निर्मा, अब अगर वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो उस पर दरवाजे बंद मत करो। मर्द की ईगो जो है ना वो बहुत अजीब होती है, वो बार बार नहीं मानता। क्या ख्वाब देखे तुम, ताबीर क्या मिली? कोई बात नहीं, तमाम ख्वाब मुकम्मल नहीं होते। देखो अगर वो इस मामले को हल करना चाहता है तो तुम भी उसका साथ दो ना। सच पूछो तो अब मुझे उसकी किसी भी बात पर एतबार ही नहीं आता। एतबार तो करना पड़ेगा ना। देखो अगर खुदा ना खास्ता तुम अली से अलग हो गई तो इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? और वो घर तुम्हारे नाम कर रहे है ना, कागजात भी तुम्हारे हाथ में लाकर रखेगा। मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। निर्मा मैं तुमसे बड़ी हूँ लेकिन फिर भी खुद चल के आई। यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने दिल से सारी गलतफहमियां खत्म कर दो। निर्मा तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मैं तुम्हारा कभी बुरा सोच भी नहीं सकती। और समन तुमने सोच भी कैसे कि मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की कातिल हो सकती? अरे हम तो खुशियों का इंतजार करते, खुशियों की राह तकते। भाभी प्लीज
जो बातें दिल में है उनको दिल में ही रहने दो। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है और ना ही ये बातें पुरानी चीजें भुला देंगी। आप खुद भी अलग रहे और हमें भी अलग रहे। बहरहाल अब्बा जी की ख्वाहिश अब इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उसे पूरा ना कर सके। एक घर में रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि हो सके तो अपने दिल से गलतफहमियों को खत्म कर दो। मेरे मुताबिक जितना बड़ा मैंने तुम्हारा काम किया था, ये पेमेंट एक चौथाई भी नहीं है यार। यार मजीद साहब, एक तो बहुत बुरे हालात हैं, इधर उधर से पैसे पकड़ के आपको दे रहा हूँ, खुदा का खौफ करें 50,000 कम थोड़ी होते हैं। सिर्फ बता रही हूँ कि कान और आंख खुली रख, क्योंकि जो देते हैं ना वो लेना भी जानते हैं। ऐसे कैसे ले लेंगे? हाँ, मेरा नाम लिखा है कागजों पर। इतनी बड़ी जगह, इतनी सारी जगह। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये यहां बैठा हुआ नजर ना आता। हमारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, मियां बीवी में झगड़ा एक दूसरे को मिलाने के लिए होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आदमी कितनी दफा मोहब्बत करेगा? इसकी मामा से दिन में मैं एक दो दफा लड़ाई जरूर कर लेता हूं, रिश्ते में बरकत रहती है। निर्मा, यह तुम्हारी अमानत है। कुछ सच भी बोले मैंने तुमसे, ये उनमें से एक है। तुम चुप रहो, तुम्हें अभी माफ नहीं किया, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। बेटी, ये तुम्हारे फ्लैट के पेपर्स हैं। निर्मा बेटा, मुबारक हो। अंकल जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ बेटे, 100 बातें पूछो। क्या मैं अली की पहली बीवी हूं? मैं तुम्हारे सवाल का मतलब नहीं समझा। डैड वही चौधरी रफीक वाला चक्कर। क्या कह रहे हैं? और निर्मा क्या कह रही है? डैड, एक लड़की है, वो मुसलसल यहाँ आ रही है, उसने जाली निकाह नामा भी बनाया हुआ है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है और एग्जैक्टली उतने ही पैसे मांग रही है जितने चौधरी ने हमारे देने। ओ अच्छा। निर्मा, ये इसकी पहली और आखिरी शादी है, और जहां तक उस आदमी का ताल्लुक है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, दोस्त भी था, मगर दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है, सिर्फ पैसे के लिए। और उस जाहिल इंसान ने एक औरत की तस्वीर मेरे साथ लगा के मेरी बीवी को भेज दी। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? इसकी मामा को भी यकीन नहीं आया था, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि इसको वो लड़की मिली है जो इस पे नजर रखे। और अबव ऑल, जिससे ये डरता हो। हर शरीफ शौहर अपनी बीवी से डरता है। बिल्कुल। अली ने शादी से पहले मुझे
घर वगैरह वो जायदाद वो सब दिखाया था, तो वो बाद में वो बिल्कुल सही इसने बताया, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम पे, मेरे मरने के बाद इसके नाम पे है, और जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक ये अपनी मेहनत से कमाए। शादी से पहले मैं इसको सैलरी देता था, मगर अब मैंने खत्म कर दी। बेटे, ये बच्चा नहीं है कि बाप के पैसों पे याची करे। मेरे मरने के बाद जो मर्जी करता फिर, मगर उस वक्त तक ये खुद मेहनत करेगा। बहुत अच्छी सोच है। मैंने खुद अपने बच्चों को छोटी सी हट्टी खोल कर दी थी, अब माशाल्लाह से बहुत बड़ी दुकान है। तुमसे मोहब्बत की है ना, लव मैरिज की है, तो करके दिखाए। और तुम, मेरा तो ख्याल है कि इसकी बिजनेस पार्टनर बन जाओ। डैड एग्जैक्टली यही कहा था मैंने इसे। तुम फिर बोले निर्मा ने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है, अभी उसके सवाल बाकी हैं। कोई बात नहीं, मेरी बेटी निर्मा भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती आई है और अपने सारे ख्वाब मुझे सुनाया करती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर ख्वाब देखें, दोनों मिलकर पूरा करें, जिंदगी आसान हो जाएगी सर। जी बिल्कुल। अली बेटा, तुम लोग भी आपस में प्यार मोहब्बत से रहो बेटा। मियां बीवी तुम एक दूसरे का लिबास होते हैं, अगर दोनों में से कोई गलती कर ले तो उस पर पर्दा डालते हैं बेटा, और मिलजुल कर खुश रहने की कोशिश करते हैं। अंकल, मैं तो निर्मा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं हूं और ना सोच सकता हूं। बेटे, इसे दो चार दिन तक माफ ना करना। सर, मुझे इजाजत है, मैं चलता हूं। अरे नहीं, कहां चल दिए, आप लोग खाना खाकर जाएंगे। अगर भाई, ये घर है और मैं तो हमेशा आता हूं और काफी काम रह जाता है, मगर ये काम बहुत जरूरी था, और बाकी जो काम है वो इसकी मामा निपटा रही है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बेटे, दो चार दिन की बात है, फ्लैट पे काम हो रहा है और फिर शिफ्ट हो जाना। बेटे, अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, तुम्हारा हक है। अच्छा अंकल, आप ना किसी दिन आंटी जी को भी लेकर आइएगा ना, एक दफा तो खाना खा ही सकते हैं हमारे साथ। निर्मा, वादा नहीं करता, काम बहुत है, बस मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो, मिलके जिंदगी गुजारो, बी हैप्पी। थोड़ा सा शक भी करो मगर भरोसा भी करो, जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। सर, मुझे इजाजत, देर हो गई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाँ भाई, आजकल तो प्रॉपर्टी इतनी महंगी हुई है, 3-4 करोड़ की तो बात ही शुरू होती है, लेकिन चलो ये अच्छी जगह मिल गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छा है हमारा अंदाजा गलत ही निकला। हाँ, लेकिन अभी भी मैं इतना खुला हाथ नहीं छोड़ूंगी उस पर। देख निर्मा, बेशक तुझे फ्लैट मिल गया, लेकिन मुझे तेरा और अली का साथ आगे नजर नहीं आ रहा। तेरे मुंह में खाक, तू तो हमेशा ही मेरा बुरा सोचती है, कभी मेरी खुशियों पे खुश ना होना। जल नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि कान और आंख खुली रख, क्योंकि जो देते हैं ना
वो लेना भी जानता है। ऐसे कैसे ले लेंगे? हाँ, मेरा नाम लिखा है कागजों पर। खैर ये सारी बातें छोड़ना, मुझे बता के हम कब मिल रहे हैं। क्यों, कहीं जाना है क्या? अरे हाँ, अरे मैंने तो इतना खुद सोच रखा है, अपने घर का एक एक कोना ना मैं खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। सब सोच लिया है, कहाँ क्या चीज रखनी है, कौन सी चीज लेनी है, लौट तो कुछ। चल अच्छा है, इतना कुछ खोने के बाद तुझे कुछ तो मिला। हाँ चल, अल्लाह का शुक्र है, ये फ्लैट ही सही जो चाहिए था लेकिन मिल गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आज मैं जरा डेट पे जा रही हूँ। किसके साथ जा रही है, कहाँ जा रही? कमीने, मेरी सारी बातें सुन लेती है, अपना कुछ नहीं बताती। भाई बहुत बहुत मुबारक हो निर्मा तुम्हें। अल्लाह तुम्हें रहना नसीब करे। इंशाल्लाह। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन अच्छा है, अगर इंसान को एहसास हो जाए तो उसके लिए वापसी के दरवाजे खुले होने चाहिए। इस बात पे कुछ बना के खिलाओ। माजिद को भेजा है मैंने मिठाई के लिए। अच्छा, वैसे मुझे आज एहसास हुआ कि ऐसे वक्तों पर घर वालों का साथ होना कितनी बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, घर वाले तो होते ही इसलिए हैं कि साथ रहे। खुश रहो। अब आएगी नींद सुकून से। ये मजीद साहब, आपके 50,000 बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अली, मेरे मुताबिक जितना बड़ा मैंने तुम्हारा काम किया था, ये पेमेंट एक चौथाई भी नहीं है यार। यार मजीद साहब, एक तो बहुत बुरे हालात हैं, इधर उधर से पैसे पकड़ के आपको दे रहा हूँ, खुदा का खौफ करें, 50,000 कम थोड़ी होते हैं। चलो जो हो गया वो हो गया, बट नेक्स्ट टाइम मुझे कॉन्टेक्ट मत करना, और वैसे भी मैं अपना सेल नंबर बदल रहा हूं। नंबर तो दे देंगे ना अपना। नहीं दोस्त, अब नई अम्मा ढूंढो, नया अब्बा ढूंढो। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, ये है तुम्हारा नया घर, खोलोगी तो अंदर जाएंगे ना? सच्ची में? और क्या झूठ बोल रहे? ये वाली? बड़ी खिड़की, ये जगह सारी कितनी प्यारी, हम इतने ऊंचे, ये सबसे ऊपर है। अल्लाह, इतनी बड़ी जगह, इतनी सारी जगह, हाय अल्लाह, पूरा शहर दिखता है यहां से। मोहब्बत ख्वाब पूरे कर देती है ना? मुझे तो कभी मोहब्बत पर शक ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन मोहब्बत करने वाले इंसान पे बहुत शक रहा है तुम्हें। क्या हो गया है? अब देखो आप ही पुरानी बातें निकाल रहे हो, मैं तो भूल गई थी। मैं चाहता हूँ कि पुरानी बातें तुम्हें कभी ना भूले, क्योंकि जितना तुम मुझ पर शक करोगी ना, उतनी ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अब सिर्फ ताबीर की बातें होंगी, ख्वाबों का दी एंड, कोई ख्वाबों की बात नहीं। जैसे ये हमारा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा, मेरे जैसी होती जा रही हो, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैं पहले भी ऐसी थी, आपको नहीं पता चला,
कमरा और मुझे ना कुछ खास पसंद नहीं आया ये सारा सामान, तो मैं ये सब कुछ ना बदली करूंगी और अपनी मर्जी से बाहर पूरा घर सेट करूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी बदली करो, लेकिन हाँ, लेकिन क्या कोई मसला है? मुझे क्या मसला होगा? मसला वैसे तो तुम्हें ही होना चाहिए, पैसे जो तुम्हारे लगेंगे। नहीं, मैं कह रहा था कि नया फर्नीचर खरीदने में कम से कम 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे, और पापा ने तो कुछ दिया है नहीं और ना आगे कुछ देंगे, और मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, मतलब घर कैसे चलेगा? यही सोच रहा हूँ काफी दिनों से। तो पापा कारोबार में कोई हिस्सेदारी नहीं? ऐसे ही है वो, कहते हैं खुद खाओ खुद कमाओ, यही फिलॉसफी है उनकी। कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मतलब बंदा ऐसे कैसे अपना हाथ उठा लेता है एकदम से? कुछ तो बंदा साथ देता है, अब क्या हम भीख मांग के गुजारे करेंगे? मैं कोई नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। नौकरी में क्या होता है अली, सिर्फ कुछ ही हजार आ रहे हो। बेबी बिजनेस शुरू करने जाओ ना तो 1-1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं छोटे से छोटे बिजनेस में। तो कोई मसला नहीं है, हम उससे भी छोटा कोई कारोबार शुरू कर देते हैं, तो फिर छोटा सा कारोबार हम आहिस्ता 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 बड़ा कर ले। हाँ, मैं पापा से बात करूं। पापा तो लंबा गए हैं अभी, वो तो अभी नहीं आएंगे। क्या मतलब? मतलब 1.5-2 साल से पहले तो नहीं आएंगे। तो मैं फोन पे बात कर लेती हूँ, नंबर मिला दो। अच्छा रिलैक्स, हो जाएगा सब, मैं भी अपने एक दोस्त से मिल के आता। तो उसे मिलने क्यों जा रहे हो? उसे यहाँ बुला लो ना, बाहर मिल लेना। नहीं, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे मैं किसी दोस्त को नहीं बुला सकता, यहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे, और अगर कोई तीसरी चीज रहेगी तो वो होगा हमारा प्यार। ठीक है, और अगर तुम्हें शक हो रहा है ना तो तुम मुझे छोड़ के आ जाओ मेरे दोस्त के घर। मुझे शक वक नहीं है, और वैसे भी अब मेरा एतबार तुम तोड़ के तो दिखाओ, फिर बताऊंगी। कुछ खाना तो बताना, मैं लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी आना। आइए बच्ची, हर वक्त कमरे में रहती हैं, थोड़ा धूप में भी बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। मेरी बेटी अब्बा जी है, मैं ठीक हूँ। अब्बा जी आप बताएं, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। बस मैं तो अपने घर को ताला लगा कर आई हूँ, और अब आपके हाथों से मेरे घर का ताला खुलेगा। तैयार हो जाए, मैं लेने आई हूँ आपको। अरे क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर चलूंगा मैं, लेकिन पहले तुम अच्छी तरह से बस तो जाओ उस घर में। अरे लो, और क्या बसना है, चली तो गई हूँ मैं बस घर के अंदर, घर खाली है। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सेट हो जाएगा। गरीबों के घर ही आहिस्ता आहिस्ता होते होंगे शायद। अरे नहीं बेटा, घर चीजों से थोड़ी बसते हैं। वैसे भी बेटा, जहां तुम हो वहां किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह, समन भाभी का है, वैसे कोई जरूरत है घूमते रहने में? अल्लाह की भाभी। अच्छा सही सही सही, मैं ना आप सबकी दावत करूंगी, बस एक दो चीजें रह गई हैं वो खरीद लूं, क्योंकि अभी तो घर में कोई बैठने की भी जगह नहीं है अब्बा जी। अरे बेटा, मुझे कौन से सोफे और कालीन चाहिए, अल्लाह ने मुझे वैसे ही इस व्हील चेयर के साथ चिपका दिया, या मुझे तुम कहीं भी ले जाओ, एक ही बात है। क्या करते हैं अब्बा जी, क्यों उदास बातें करते हैं, खुशी का मौका है, खुश हो। मैं तो वो अहमद भाई से बात करने के लिए आई थी, घर के इतने खर्चे हैं, चीजें वीजे लेनी है, तो मुझे मेरे हिस्से के पैसे में से थोड़े से पैसे मिल जाएंगे।
झूठी थी मैं झूठी।